हाय फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो मैं अभी मैगी और रोटी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मैगी के साथ रोटी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यदि आप लोगों को भी खाना है तो मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। पहले रोटी बना लेंगे, उसके बाद मैगी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आटा बोरी से आटा निकाल लेते हैं। तो मेरा आटा निकल चुका है, इसे अब हम अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से गूंथ लेंगे, ताकि अच्छे से मुलायम और सॉफ्ट रोटी बने। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा आटा गुथा गया है और ये कितना मुलायम सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम गैस चला लेंगे और उसके ऊपर ताई को चढ़ा लेंगे, और फिर जो रोटी का जो आटा हम गूँथ लिए हैं उसको अच्छे से लंबाइयाँ करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे से करके रख देंगे, ताकि हमें पकाने टाइम बेलने के लिए सुविधा होगा। तो अब मेरा ताई भी गर्म हो चुका है, तो हम आटा को ले लिए हैं और इसे अब रोटी बेल लेते हैं। अब इसे हम ताई में चढ़ा देते हैं, उसके बाद में दूसरा लोइया लेके इसे भी हम अच्छे से बेल लेते हैं, ताकि पहला रोटी पकने तक में दूसरा वाला रोटी बिला के रेडी हुआ रहे। तो हम इसे पलट देते हैं। अब हम तीसरा वाला लोइया भी अच्छे से उसको गोल करके आटा मिला के रख देंगे, ताकि हम फिर उसे अच्छे से बेल लेंगे। तो अब हम रोटी को देखते हैं कि ये रोटी कैसा ठीक पक रहा है या नहीं पक रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे पलट के इसको हम फूलने के लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं और पलटनिया से पलटते रहेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा रोटी पक गया है, तो इसे हम निकाल देंगे और दूसरा जो रोटी का बेल लिए हैं उसे हम ताई में चढ़ा देंगे, और आटा लेके हम उसे अच्छे से गुलाइया रोटी बना लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा रोटी कितना सॉफ्ट बन रहा है और फूल भी रहा है। मुझे उतना अच्छा से बनाने नहीं आता है, लेकिन जैसा तैसा मैं बना रही हूँ मेरे खाने के लिए। तो आप लोग मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब समझ में आएगा कि मैं क्या क्या बना रही हूँ और किस टाइप से बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमको रोटी बनाना भी नहीं आता है, लेकिन जैसा तैसा बना लिए हैं। और अभी हम मैगी बनाने के लिए प्याज टमाटर मिर्ची सब काट लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम ये वाला मैगी बनाने वाले हैं, और प्याज हो गया, मिर्च और टमाटर हम निकाल लिए हैं। तो इसको पहले हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम टमाटर, प्याज और मिर्च काट लिए हैं। कढ़ाई को हम गरम होने के लिए चढ़ा दिए थे, अब हम इसमें तेल डाल लेते हैं सरसों का, और मिर्च डाल दिए हरी मिर्च, और अब प्याज भी डाल देते हैं और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। अच्छे से थोड़ा लाल होने टाइप से भुनाने देंगे, उसके बाद में इसमें हम टमाटर डाल देते हैं और टमाटर को भी थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि वो मुलायम हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि यह स्वादिष्ट लगे। ये भुना गया है तो इसमें हम हल्का सा पानी डाल देंगे मैगी पकने के लिए, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा ही डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैगी वाला पानी गर्म हो चुका है, तो इसमें अब हम मैगी को टुकड़ा छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल देंगे, ताकि ये खाने में ज़्यादा परेशानी ना हो और ये जल्दी बन भी जाए। और पूरा आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर दिख रहा है, ये डबक भी रहा है। अब इसमें हम लास्ट में जो मैगी मसाला है उसे भी डाल देंगे, लास्ट में डालने से ये ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा मैगी बन के रेडी हो गया है, बहुत टेस्टी दिख रहा है। तो अब हम इसे उतार लेंगे, कपड़ा की सहायता से उतारेंगे, ताकि हमारा हाथ ना जले। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है देखने में, मुझे तो बहुत खाने का इच्छा है।
और अब हम इसे प्लेट में निकाल लिए हैं और ऊपर से हम इसको रोटी डाल देते हैं। मुझे रोटी से खाना है इसलिए। तो फ्रेंड्स हम मैगी और रोटी बना लिए हैं। रोटी बनाने भी नहीं आता है, जैसे तैसे बना लिए हैं। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइए। और मैगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यदि आप लोग को भी खाना है तो आ जाइए खाने के लिए। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।